पार्टी जब तक फटे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है पर भाई, 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 भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। मैं तू मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों जैसा कि आप सबको पता है आज मेरी बर्थडे है तो ये मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला है। तो अभी मैं ये कपड़े भी पहन के तो अभी मैं बाहर जाने लगा हूँ लंच करने, तो वो भी वीडियो आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये देखे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कपड़े मिले। इसके अलावा और भी गिफ्ट है वो मैं बाद में फिर सबकी ओपनिंग करूँगा। तो फिलहाल मैंने सोचा चलो मैं आपको इसका थोड़ा बता दूँ। अभी मैं रेडी होकर आता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं आया हूँ फूड स्ट्रीट पे, इधर डिनर करने आया हूँ। तो अभी ये बाहर का व्यू है, तो बाकी मैं भी अंदर जाता हूँ तो साथ साथ आपको बताऊँगा। माशाल्लाह काफ़ी रश है, देखते हैं आगे ऊपर जाके के जगह वगैरह मिलती है या नहीं। तो क्योंकि संडे है तो वीकेंड पे वैसे भी बहुत रश होता है इस वजह से। तो अभी तो लगता है वो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है। और वैसे भी ये पीड़ित नंबर की सबसे मशहूर चीज़ है जो यहाँ का पुलाव है, तो वो लोग दूर दूर से खाने आते हैं। बहुत अच्छा मेरा आज का दिन गुजरा है। तो अभी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है पता ही नहीं लग रहा, तो इतनी जल्दी मेरा इतने साल गुजर गए। लेकिन इन सालों में मैंने बहुत से उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, पर मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि इंसान को ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर इंसान पॉजिटिव रहता है तो फिर ना सब काम उसके साथ अच्छे होते हैं। अगर आप क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो फिर दूसरों को भी आप अच्छे लगोगे, उनको आप खुश रख सकते हो। अगर आप चिड़चिड़े हाले के साथ बदतमीजी से पेश आओगे ना तो वो ना आपके लिए अच्छा होगा और ना अगले बंदे के लिए अच्छा होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप सब लोग खुश रहा करें और दूसरों के साथ भी अच्छे तरीके से बात किया करें। तो बाकी बहुत से लोगों ने मुझे विश वगैरह किया बर्थडे में, तो उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। तो बस यही मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे मेरी आने वाली लाइफ में जितने भी मेरे मुश्किल है वो दूर कर दे और मेरे लिए आसानियां पैदा करे और मुझे नेक रस्ते पर चलने की तौफीक दे। तो इसी के साथ आज की वीडियो इसी पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। और